मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का ये वाक़या बादशाह और मज्जूब के दरमियान कश्मकश की एक अनोखी कहानी है, जिस पे मज्जूब और बादशाह दोनों ही जीत गए। इस तरह कि मज्जूब ने अपना मकसद हासिल कर लिया और औरंगज़ेब आलमगीर मुजरिम को नहीं तो उसके वकील और निजात दहिंदा को सज़ा देने में कामयाब हो गया। इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि औरंगज़ेब ख़ुद भी उसी निज़ाम के किसी ओहदे पर फ़ाइज़ था जिस निज़ाम का ये पुरइसरार मज़ज़ूब हिस्सा था। उस वक्त के क़ानून के तहत कत्ल के मुजरिम के लिए रहम की आखिरी दरख्वास्त बादशाह के हुजूर पेश की जाती, और अगर बादशाह ये दरख्वास्त मुस्तरद कर देता तो फिर मुजरिम किसी सूरत बच नहीं सकता था। उसी दौर की बात है कि एक बार दिल्ली में कत्ल की एक वारदात हुई। अदालत ने उस कातिल को सजाए मौत सुना दी और शहंशाह औरंगज़ेब ने उसके रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। फांसी का वक्त करीब आ गया। फांसी से एक रोज़ पहले की बात है, कातिल का गमजदा भाई परेशानी के आलम में बाज़ार में घूम रहा था कि एक नामालूम शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि उसके सामने एक गलीज लिबास वाला बूढ़ा मज्जूब खड़ा था, जिसका सर, चेहरा और पूरा जिस्म गर्द आलूद था। उसकी हालत से फाका जदगी टपक रही थी। उस मज्जूब ने उससे सिर्फ दो लफ्ज़ कहे, भूख रोटी। उसे मज्जूब की हालत पर रहम आ गया और उसने करीबी दुकान से उसे खाना खिलाया। उसने देखा कि मज्जूब वहशियों की तरह खाना खा रहा था। खाने से फारिग होकर मज्जूब उस शख्स से मुखातिब हुआ और कहा, मांग, क्या मांगता है? गमजदा शख्स मुस्कुराया कि जिसे खाने को न जाने कब से कुछ नहीं मिला वो मुझे क्या देगा। लेकिन मज्जूब ने दोबारा तहकम आमेज अंदाज में कहा, मांग, क्या मांगता है? उस पर वो शख्स बोला, कल सुबह 10 बजे मेरे भाई को फांसी दी जा रही है, उसे रुकवा सकते हो? ये सुनकर मज्जूब की कैफियत ही बदल गई। खौफ उसके चेहरे से टपकने लगा और वो मौत मौत, देर हो गई कि अजीबोगरीब अल्फाज कहता हुआ एक तरफ को भाग निकला। अगले रोज़ वो शख्स अपने भाई से आखिरी मुलाकात के लिए 8 बजे कैदखाने के बाहर पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि बादशाह औरंगज़ेब घोड़े पर सवार कैदखाने की तरफ आ रहा है। क़ैद खाने के अमले में शहंशाह की इस गैर मुतवक्का आमद पर खलबली मच गई। बादशाह सीधा अंदर चला गया और क़ैद खाने के दारोगा से फांसी पाने वाले शख्स के कागजात तलब किए और उन पर हुक्म लिखा, कातिल को फौरन रिहा कर दिया जाए। क़ैद खाने का दारोगा इस हुक्म पर शस्तर था। बादशाह ने पहली मर्तबा अपना सजाए मौत का फ़ैसला मनसूख किया था। बहरहाल बादशाह के हुक्म के तहत कातिल को रिहा कर दिया गया और वो हंसी खुशी अपने भाई के साथ घर चला गया। बादशाह भी वापस चला गया। फांसी का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया गया था। मुतल्लिका अफसर मुजरिम को फांसी लगाने कैद खाने पहुँचा तो कैद खाने के दारोगा ने उसे कातिल की रिहाई के बारे में सब कुछ बता दिया। हाकिम ने कैद खाने के दारोगा की इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और सीधा महल जा पहुंचा। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि शहंशाह बाहर जाने के लिए कहीं निकले ही नहीं। उसके होश उड़ गए। उसने फौरन शहंशाह को मुलाकात के लिए अर्ज़ा भेजा। औरंगज़ेब ने उसे बुला लिया और तफसील सुनकर सख्त मुश्तइल हो गया और साथ लेकर कैद खाने जा पहुँचा। कैद खाने का दरोगा डर के मारे कांप रहा था। उसने बादशाह को बताया, आप इतनी देर पहले तशरीफ़ लाए थे और कातिल की रिहाई का इस तरह तहरीरी हुक्म दिया था। कागजात पर बादशाह के दस्तखत और मोहर बिल्कुल असली थी। कैद खाने का दरोगा बेकसूर था। बादशाह ने दुख से सिर्फ इतना कहा, हमने कातिल को सजा दिए बगैर छोड़ दिया। कुछ देर सोचने के बाद गोया बादशाह मामले की तह तक पहुंच गया। उसने कैद खाने के दारोगा से पूछा, हम कातिल को आज़ाद करने के बाद किस तरफ वापस गए थे?
कैदखाने के दरोगा ने उस सिमत इशारा किया। बादशाह बड़ी तेज़ी से घोड़े पर उसी सिमत रवाना हो गया। घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। अब वो शहर से बाहर वीराने में दाखिल हो चुका था। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि एक मज़लूब दौड़ता हुआ जा रहा है। वो खौफज़दा है और बार बार मुड़कर पीछे देख रहा है। बादशाह के घोड़े ने उसे जल्द ही जा लिया। वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। औरंगज़ेब ने मज़लूब से पूछा, निज़ाम में खलल डालने की सज़ा मालूम है? मज़लूब ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, मौत। फिर ऐसा क्यों किया? बादशाह ने पूछा। वादा कर चुका था, मज़लूब ने मुख्तसर जवाब दिया। अब अपनी गर्दन पेश करो, बादशाह ने हुक्म दिया। मज़लूब ने गर्दन बढ़ा दी। बादशाह की तलवार लहराई और मज़लूब का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा।